अस्सलामुअलैकुम। बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई थी तो सोचा आज एक रैंडम व्लॉग बनाया जाए। तो आज मैं जा रहा हूँ हैदराबाद की बाइक मार्केट। तो दोस्त को बाइक लेनी है, वो दोस्त कौन है आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक देखने, अगर कोई पसंद आ गई तो लेंगे, वरना फिर देखेंगे क्या होता है। आपको भी दिखाएंगे कि हैदराबाद की बाइक मार्केट कौन सी है और वहाँ पर क्या होता है। तो अभी मेरा दोस्त बाहर आ गया मुझे लेने, तो चलते हैं। किन्नो लगी मास पास है ना बो सही है, मास में खबर ना पंदी तो किन्नो लगी है सटो बस इनर मास ला जा। ठीक है ठीक है ठीक है, आचू था आचू था। ओके हां हां केड़ा हाल है केड़ा काले दोनी बाइक उठनी है यार, बाइक उठनी थी बाइक उठनी थी हां बाइक उठनी। तो आपको पता चल गया कि बाइक किसको लेनी है। ठीक है भाई, मुझे बाइक लेनी है। पूछी ये दोस्त है, पूछी जो तू ना का गिलास लूट ना उधर हरू हरू 500 रुपया तो अरे ही गिलास। ये दोस्त है, इसको बाइक लेनी है। भाई जान बाइक मुझे लेनी है, जी हाँ। और मेरा जो दोस्त है उसको भी बाइक लेनी है, पर वो बाइक लेगा जो मैं सेल करूँगा अपनी। तो वो मुझसे बाइक लेगा और मुझे लेनी है मार्केट से। छातो चवा गोल बिल्डिंग खोखर मोहल्ला वो मार्केट है जहाँ से हर किस्म की बाइक मिल जाती है, चाहे न्यू हो या सेकंड हैंड, कैश पे लेनी हो या इंस्टॉलमेंट पे। पर याद रहे यहाँ पे दो नंबर माल भी आता है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ था जब ये मॉडल 95 में भी दे दो रजिस्ट्री, एक भी दे रजिस्ट्री यार गाड़ी 95 को दे एक को 50 दे। मार्केट में काफ़ी ख्वारी करने के बाद हमें कुछ बाइक्स पसंद आईं, पर कुछ बाइक्स को हम पसंद नहीं आए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि ये गरीब है। और जब हमारा खाली दिमाग काम नहीं कर रहा था तो किसी ने कहा स्टॉप इट गेट सम हेल्प। मार्केट में इधर उधर चक्कर लगाने की वजह से हमारी काम पे टांग रही थी और प्यास भी लगी थी, तो सोचा क्यों ना ठंडा लींबू पानी का शरबत पिया जाए। कितने का है? 30। वाह, चारों खाने चिल, चारों खाने ठंडा खा। भाई अपना बता नहीं करेगा। खोकर मुल्ला हाँ भाई, ये गोल्ड बिल्डिंग में बाइक खड़े हुए यहाँ पर ठंडा का बहुत अच्छा। ये अपना नींबू शरबत जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा था कि कोई बड़ी बाइक लूँगा, कोई हैवी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, उस पर घूमूंगा कितना मज़ा आएगा। पर जब मैंने मार्केट जाके बाइक्स के रेट चेक किए तब होश आया, भाई कोई सस्ती सी ले लो जिसमें बस गुजारा हो जाए, बस कोई अच्छी हो, सही हो, चलती फिरती हो। तो मैंने ले ली होंडा प्राइडर। हाँ भाई, आपने कौन सी बाइक ली है? यार मैंने ये अपना 200cc लिए 125। अच्छा वेट अ मिनट, क्या बोला तूने? 200cc लिए 125। अच्छा चलो जाके इलाज करो अपना। कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़के का, 200cc 125 लिए। भाई 125 खुद एक सीसी है, कंपनी का नाम नहीं है 125। होंडा की 125 होती है, 125cc है, जैसे 100cc 150cc। मतलब गलत बात भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि सही लगने लगे। ओए ओए। इस पे आप यूनिवर्सिटी जाएंगे? नहीं, ये बस के ऊपर रखूंगा, फिर यूनिवर्सिटी पे ही चलाऊंगा।
पॉइंट के ऊपर ये रख के पॉइंट के ऊपर, हाँ यूनिवर्सिटी में ये चलाना, ये सही है भाई। इससे छोटी बाइक नहीं मिली आपको? इससे छोटी बाइक यार नहीं मिली मेरे, ये कद के हिसाब से, हाँ आपके साइज के हिसाब से सही है, बेहतरीन। और बाइक लेने के बाद मेरे दोस्तों ने कहा, भाईजान बाइक लिए ट्रीट तो बनती है। एक तो हमारी आधी जिंदगी दोस्तों को ट्रीट देते हुए गुजर गई है। आप जिंदगी में कुछ भी करो, दोस्तों को चाहिए ट्रीट। चाहे आपकी बर्थडे हो, शादी हो, बच्चा हो, आप खुश हों, दुखी हों, आप मर रहे हों, खुदकुशी कर रहे हों, दोस्तों को चाहिए बस ट्रीट।